नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर ऑफ इंडिया में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा, कि जो म्यूचुअल फंड जितना स्मार्टली बाय करते हैं, हम लोग भी क्या वैसे ही स्मार्टली बाय कर सकते हैं? हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ वो कौन से स्टॉक है, कब इसने बाय किया, कितना बढ़ाया है, किस में अभी पोजिशन बढ़ रहा है, किस में कम रहा है? तो आइए हम आपको ले चलते हैं। तो हम सबसे पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टैब है म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे आप करिए फाइंड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान है, ये आप देख सकते हैं। अगर देखिएगा तो ये देखिए डायरेक्ट प्लान है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस पर किसी एक पे हम क्लिक करते हैं, जैसे सपोज दैट हमने तीन प्लान पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं, इसको बंद करिए, मनी कंट्रोल से बाहर जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ है ना। अब इसमें हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और टैब मिलेगा। यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे दिखेगा पोर्टफोलियो है ना, हमको इधर क्लिक करना है। जैसे ही पोर्टफोलियो पर आएंगे तो इधर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कि कितने स्टॉक है, कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप मार्क करिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें, ये जो एरो रेड डाउन एरो है, तो यहाँ से इसका मतलब ये पोजीशन अपना कम कर रहे हैं। ये देखिए ICICI बैंक में कम कर रहे हैं, इन्फोसिस में कम कर रहे हैं, एक्सिस बैंक में कम कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल में कम कर रहे हैं, ठीक है। और जो इनका ग्रोथ है वो किधर है, HCL में अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में बढ़ा दें, इन्फो एज में बढ़ा रहे हैं, न्यूजन केमिकल्स में बढ़ा रहे हैं, ब्रिज इंटरप्राइजेज में बढ़ा रहे हैं। अब दूसरा म्यूचुअल फंड हम देखते हैं। हम आ गए हैं आदित्य बिरला पे, ठीक है। अब आदित्य बिरला के पोर्टफोलियो पे जाइए। अब मैं आपका 5 मिनट 2 मिनट और टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो HDFC फाइनेंस है यहाँ पे काम कर रहे हैं, हनीवेल ऑटोमेशन और रिलायंस इंडस्ट्री में बढ़ा रहे हैं स्टैक, ठीक है। फाइजर में इन्होंने कम किया है, कोटक में बढ़ाया है, और जो ये कम करने वाला स्टैक है ये सारा है, ये सारा बेयर कॉर्प साइंस, LNT, ICICI, गैलेक्सी फार्मा। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने बढ़ाया है जिलेट। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि किधर म्यूचुअल फंड कहाँ पे खरीदारी कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना स्टॉक बढ़ा रहा है। तो हम भी ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग भी एक कि जैसे अभी कोटक में बढ़ रहा है तो कोटक में हम भी बढ़ा लें जी, और हनीवेल ऑटोमेशन बढ़ रहा है जी, हम भी बढ़ा लें जी, जिलेट में बढ़ा लें जी। तो ये सब चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड ऐसे ही बाय करते हैं, हर 2-4 महीने 6 महीने 8 महीने में ये चेंज करते रहते हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे तो देखते हैं इनका क्या है। इधर आ गए हम पोर्टफोलियो पे आ गए। अगर कंप्लीट होल्डिंग देखेंगे तो कंप्लीट होल्डिंग भी आपको दिख जाएगा, देखिए कितना लंबा चार्ट है इसका। ICICI में देखिए ये भी कम कर रहा है, HDFC में बढ़ा रहा है, स्टैक इन्फोसिस में निकाला है यानी IT सेक्टर से निकाल रहा है, बजाज फाइनेंस में बढ़ाया स्टैक, DB Slab PI इंडस्ट्री में निकाला, कोफोर्ज में निकाला है, दीपक नाइट्रेट में देखिए बढ़ा रहा है, एम्फेसिस में बढ़ा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री में बढ़ा रहा है, SRF में बढ़ा रहा है। मैं हर हमेशा जिक्र करता हूँ कि SRF खरीदिए, एम्फेसिस, दीपक नाइट्रेट खरीदिए, रोज में वीडियो इस पर बनाता हूँ। बाकी देखिए नवीन फ्लोरिन में निकाला है, चोला मंडे में बढ़ा रहा है, JB फाइनेंशियल, एस्टल पॉली में देखिए बढ़ा रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में, टाटा इलेक्सी प्रिंस पाइप में बढ़ाया है, APL अपोलो ट्यूब्स में बढ़ाया है, विनयति ऑर्गेनिक्स, बजाज फिंसर में बढ़ाया है। तो काफ़ी देखिए मैक्स हेल्थ केयर मैंने भी अभी पोर्टफोलियो में ऐड किया है, देखिए इधर बढ़ा रहा है, DMart में बढ़ा रहा है। तो देखिए ये लोग कैसे खरीदता है, अभी जिधर जा रहा है मार्केट उधर खरीदता है। देखिए क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में खरीदा, इसमें भी हम अभी तक बाय नहीं कर पाए हैं, चांस नहीं मिला है। नजारा में देखिए इन्होंने बढ़ाया, इन्फोएज में बढ़ाया है, पॉलीकैब में बढ़ाया है, काफ़ी अच्छा होल्डिंग बढ़ाया है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसे आप सीख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कहाँ पर बाय कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है। तो आप भली बात है आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्टॉक समझ में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलूंगा आपको एक क्वालिटी कंटेंट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।